ये कहाँ लटका हुआ है यार? नहीं यार, तुम्हारा दोस्त है ये। कौन सा दोस्त है? मेरे दोस्त तो तुम ही हो। स्कैम तो नहीं कर दिया हमारे साथ? हाँ यार, ये तो बहुत हल्का है। रोटी बनाने के लिए चकला नहीं होता। 4,000 का चूना लग गया विशांत भाई आज। तो हे गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। एक नए व्लॉग की शुरुआत आप सभी के साथ। दोपहर के बज रहे हैं 3। हमारा प्लान बना था कि हम लोग जाएंगे बंजारा मार्केट देखेंगे, जो कि गुड़गांव में है। लेकिन फिर यार वो दूर बहुत है, जाते जाते ट्रैफिक भी मिलेगा, 1-1.5 घंटा लग जाएगा और फिर रात हो जाएगी, बहुत ज्यादा लेट हो जाएंगे, कुछ देखने को भी नहीं मिलेगा। तो हम लोगों ने सोचा वैसे ही सिमिलर मार्केट यही है हमारे घर के पास ही, हम इस टाइम रजौरी गार्डन के पास है। कौन सी मार्केट जा रहे हैं अभी हम? पंचकुआ। ओके, कुआं के पंचकुआ जो भी है, ठीक है। इतनी इंग्लिश हमें भी आती है पर बोलते नहीं है, हमें हिंदी पसंद है या पंजाबी पसंद है, दीदी की बात है। घमंड नहीं करा पर घमंड नहीं करा। इसमें कौन सा घमंड है, इंग्लिश भी तो लैंग्वेज ही है। कौन सी बहुत जो लोग ये समझते हैं ना कि जिनको इंग्लिश आती है वो पढ़े लिखे हैं, वही सबसे बड़े गवार है। फिर इंग्लिश जस्ट एक लैंग्वेज है और कुछ नहीं है भाई। अब अंग्रेजों का कौन सा सबको हिंदी या पंजाबी आती है? हिसाब से तो हम भी उनको बोले कि वो गवार हुए या वो पढ़े लिखे नहीं है। वो हमारी मानो तो सिर्फ इंग्लिश होना पढ़ा लिखा नहीं है। चलो यार, चले फिर। गई थी बहुत। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और लाइक भी कर दो वीडियो को। क्या और चलो भाई, नींद नहीं लग रही, सुबह कितने बजे सो रहा अभी हम निकल पड़े और दिल्ली का ट्रैफिक भाई तौबा हो जाती है यार। निकलते इतना टाइम लग जाता है। हम लोगों ने विशांत भाई की कार ली है और पार्किंग में लगा दी थी, वहाँ जगह बहुत कंजेस्टेड है, बार बार नहीं निकल सकती। पर यार मैंने ना दिल्ली में एक बार नोटिस करी है, बड़ी नेक टू नेक गाड़ी चलाते हैं यहाँ पे लोग। यही लगा देंगे हम तो, फिर भी फासला रखते हैं ना वहाँ पे 1-2 फुट का। इसे देखा जाए तो मुश्किल है मेरे हिसाब से ड्राइव करना मुश्किल नहीं है, बहुत नेक टू नेक चलाते हैं बस। इतना ड्राइव करना मुश्किल नहीं है यहाँ पर, मतलब पीछे करोगे ना बंटी वाला वहाँ से आ जाएगा निकल के। मतलब यहाँ ध्यान बहुत रखना पड़ता है। देखो मेरे को आदत पड़ी हुई है थोड़ा सा डिस्टेंस बना के चलने की, लोग नहीं चलते। और देखो आगे देखो कितना क्लोज, पूरी मिला रखे। अब मान लो बंदे की ब्रेक पे अचानक से पैर हट जाए या चढ़ाई हो एकदम से पीछे हो जाए, फिर अभी हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, कार पार्क करेंगे और उसके बाद चलते हैं मार्केट, देखते हैं यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें मिलती है। फर्नीचर मार्केट है वैसे ये, अगर हमें कुछ चीज़ें पसंद आएगी तो हम घर के लिए लेके जाएंगे, वरना विशांत भाई और महक को तो लेनी है। कौन सी जगह ले आए है? खुफिया जगह है यहाँ तो, मेरे को लग रहा है सारा फर्नीचर यहीं तैयार करते हैं और यहीं बेचते हैं। हाँ यही है क्या? गाइस देखते हैं गाइस कितना सस्ता है और कितना महंगा। सुंदर लग रहा हूँ ना। वेलकम जी, वेलकम मैम, क्या देखना चाहेंगे आप? क्या देखेंगे मैम? सबसे पहली चीज उठाई है इसने आके, ये नाइफ मारने मुन्ने का इरादा है क्या? मारने का। सबसे पहले क्या उठाया देखना? अभी एक हमें लैंप पसंद आया जो कि महक ने अपने नए घर में लगाना है। कौन सा लैंप? ये वाला लैंप है जो हमने पैक करवाया अभी, एस्थेटिक लुक आएगी। कौन सा थीम रखा है अभी? ये वर्ड यूज कर रही हूँ भाई, कहाँ से वर्ड यू निकाल के लाते, मेरे को तो ये नहीं समझ आ रहा है। वैसे ये भी अच्छा लगता है वो लुक में, पर मेरे सोफा के साथ जाएगा। ये ब्लैक है ना, फिर ये भी ये चीज है ना। हाँ कौन है? वो देखो क्या है तुम्हारा भाई, ये कहाँ लटका हुआ है यार? नहीं यार, तुम्हारा दोस्त है ये। कौन सा दोस्त है? मेरे दोस्त तो तुम ही हो। ओ भाई, ये मेरे को रोस्ट कर रही है। ले लिया आप और तो नहीं कुछ लेना? प्लांट लेना था बस, वो सस्ता दे और वो तो बहुत महंगा दे रहा है, पागल हो गया है। I will carry you on my shoulders as long as I'm able. Scare the monsters. तो अभी हम लोग आए थे गाइस जूडियो कुछ सामान लेने के लिए, because हम लोग कल जा रहे हैं घूमने के लिए तो थोड़ा बहुत चाहिए। But कहाँ जा रहे हैं अभी तक suspense ही है। तो एक ये चप्पल पसंद आई है, सही लग रही है हैं? ठीक है मैं, तो एक ये चप्पल ले लेते हैं। बाकी थोड़े बहुत कुछ ये कपड़े लिए मैंने, तुमने? कल 6 घंटे शॉपिंग करने के बाद यहाँ से कुछ ले लिया, हुई नहीं भाई? तुम लोग लड़कियों को कभी सेटिस्फेक्शन हुई है ये बताओ? कभी भी नहीं हुई। फिर 2-3 चीजें ली हैं उसमें ही सेटिस्फेक्शन हो गई। सही बात है, 10 दिन भी मिलते शॉपिंग के लिए तो।
लड़कियों का यही है। इधर देख लो एट ए टाइम दो तीन चीजें उठा ली बस उसमें खुश है। लड़के हैं ना हम जनाब, हमारे साथ ऐसा ही होता है, हमारे साथ ऐसा ही होता है, हम लड़के हैं जनाब। तो गाइस ये वही लैंप है जो हम लोग लेके आए हैं। कौन सी मार्केट थी भैया वो? पंचकुइया मार्केट से लेके आए गाइस। और ये लैंप पड़ा है हमें 4,000 रुपए का। भाई हमें लग रहा था थोड़ी सस्ती मार्केट होगी, लेकिन बहुत महंगा था यार सामान वहाँ पे। एक वो पत्तों पत्तों वाला देखा था, क्या बोलते हैं उसको, पोर्ट बोल देंगे क्या बोल देंगे ना, कितने का? 7,000 का बोल रहा था, 6500 का है ना, बड़ा महंगा था यार वो। 3,000 तक तो ठीक था वो, ये सैंपल हो जाएगा यार। अरे यार हल्का ही था वो, उठा के देखो स्कैम तो नहीं कर दिया हमारे साथ। हाँ यार ये तो बहुत हल्का है। अरे उसका मार्बल का भी तो वेट होगा, ये रहा नीचे लगेगा, ये भारी होगा है ना, ये भारी है ना, ये भारी है। कितना अच्छा लग रहा है, रोटी बनाने के लिए चकला नहीं होता। हाँ बस यही है, 4,000 का चूना लग गया शायद भाई आज है। देखो वैसे देखा जाए तो इसमें 4,000 वाली कौन सी बात है यार, देखा है कोई बात वैसे? कुछ नहीं है, मुझे तो पसंद ही नहीं आया। ये कटोरा लग रहा है इधर, ये कटोरा लग रहा है, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दे। और जितने आएंगे नीचे से निकालते रहो। ओए महक निधि, इतना महंगा हम लोग लैंप लेके आए ना, उसी हिसाब से तो हमारी हाल रही है, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। बट हम अभी बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि हम कर रहे हैं पैकिंग। तो गाइस ये अभी लोग पैकिंग कर रहे हैं अपनी, फाइनली हमारा ट्रिप जो है प्लान हो गया है, ट्रिप टू एयरपोर्ट गाइस। जहाँ फ्लाइट से रहे हैं तो आपको बता देंगे थोड़ी देर तक, टिकट टुकटे करवा दें। तो गाइस ये हम लोगों ने सैंपल तो करा है, टेढ़ा मेढ़ा सैंपल कर लिया है। ये होना चाहिए ऐसे कर्व करके, ये कुछ अजीब, हाँ हाँ ऐसे ही हो, पर यार ये तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा ऐसे निकाल के तो। हाँ है कुंडा है, ठीक है। अरे हो तो रहा है ये देखो, या अंदर लोग है इधर से भी होगा। अरे तोड़ मत देना यार, वो पूरा ऐसे जाता है। यहाँ पे मेरे को ये सही लगा दिल्ली में, फोर्थ फ्लोर पे अगर आप रहते हो ना तो अपना बैग फेंक दो इस तरह से, और नीचे भैया डाल रहे हैं सामान, मेरे को तो देख के डर लगता है इतना ऊंचे से। ये अपना पार्सल आते हुए एडवेंचर करते हुए ये नया एडवेंचर हो रहा है हमारा। और ये गाइस हमारा सामान आते हुए, ये मैंने मंगाया था नारियल पानी, एक और तुम्हारा मैंने तो पी लिया था, और एक दही है, बूंदी है। पता नहीं दिल्ली आते ही मेरे फेस पे क्या हुआ है, बड़े पिंपल्स हो गए हैं। आई थिंक मेरे को पानी सूट नहीं बैठा यहाँ का, तो अभी मैं ना बेसन वाला अपना फेस पैक बना रहा हूँ, वो लगाते हैं ताकि थोड़े पिंपल बैठ जाए। तो गाइस हम लोग बनाएंगे अपना फेस पैक, तो थोड़ा सा डालेंगे हम लोग दही, थोड़ा सा डालेंगे बेसन, और गाइस हमारे पास रोज वाटर नहीं है तो रोज वाटर नहीं डाल रहे हैं, थोड़ा सा हनी डाल लेते हैं, और ये घर का शहद है, हल्का सा पानी डाल लेते हैं, साथ में कड़ी भी बन रही है वो भी। यहाँ पे बन रही है कड़ी, और तुम्हारा फेवरेट भी तो है जो बनेगा रात को, वही राजमा। दोनों का फेवरेट बनेगा आज, महक पूरी सेवा कर रही है। हल्दी आपने ज्यादा नहीं डालनी, बिल्कुल चुटकी सी बस, इतनी सी बस, रंग देने के लिए थोड़ा सा, रंग के आया सब्जी बना रहा हूँ, मतलब इफेक्टिव। पतला सा पैक बना लेकिन कोई बात नहीं, सही है। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ अभी अपना व्लॉग एडिट, जो है व्लॉग्स आपको रेगुलर मिल रहे हैं, आई होप अब आपको थोड़ा सा मजा भी आ रहा होगा व्लॉग्स देखने में। अभी हम रेगुलर ही रहेंगे, तो चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ कर लो, व्लॉग को लाइक भी कर दो ठीक है जी, और शेयर भी करो। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रवाद हूँ अपनी धर्म पत्नी जी का, दूसरे नंबर पे मेरी प्रिय मित्र महक जी का, क्योंकि उन्होंने अपने कीमती समय अपनी कीमती शॉपिंग में से मेरे को भी चुना और मेरे लिए भी एक पार्सल ऑर्डर कर दिया था। शुक्रिया आपका महक जी बहुत बहुत। और निधि अभी वैक्सीन करवा रही है यार, ऑनलाइन दिल्ली में ऑनलाइन वैक्सीन के लिए घर पे आ जाता है, क्या बात है, ये भी सही है। तो अभी यार अमेज़न से देखते हैं क्या मंगवाया है इन्होंने, मैंने देखा भी नहीं है। ये महक ने अभी मेरे को बताया कि तुम्हारे लिए है, थैंक यू यार, पूरा फूल देने वाले घूमने वाला है। ये कैसा कलर है यार, पसंद किया था आपके लिए, अच्छा लगेगा वहाँ पे, कलरफुल। हाँ दीना ये वाले रूम में वैक्सीन करा रही है, और इसको फोन करके कह रही मैं को कि यार मेरा पार्सल आया है कि नहीं आया, मैं कहा मेरा पार्सल आया यार, इसको यार तुम लड़कियों को यार कितना होता है यार, हे राम करी क्या अनबॉक्सिंग करो करी, अगर तुम्हें कुछ खुला आ रहा तो मेरे को दिखा देना, मैं पहन लूंगी, देख लो गाइस।
इतने कपड़े है ना अभी। गाइस फाइनली हमारा जो प्लान है वो बन चुका है सब कुछ, कि हम कहाँ जा रहे हैं, और वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में ही पता लगेगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। उसके लिए आपको हमारे पूरे व्लॉग्स देखने होंगे। और हाँ गाइस, आप लोग गेस करो कि हम कहाँ जा रहे हैं। हमारी शॉपिंग से और बातों से आप लोगों को शायद पता लग ही गया होगा कि हम कहाँ जाने वाले हैं, और नई जगह और नई चीजें देखने को मिलेगी। होप आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है ये वाला ट्रिप हमारा, तो बिल्कुल भी व्लॉग्स देखना मत भूलना गाइस। होप आप लोगों को हमारे व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे। अच्छे लग रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।